हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको लाइव और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या अभी अभी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियोस किसी के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस से है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको प्रोसेस सिखाया जाए कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। इस वीडियो में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। अब चलिए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपस्टॉक एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से डीमेट अकाउंट है अपस्टॉक ऐप के अंदर, तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसके बाद लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट्स वाले टैब आकर के ऐड फंड्स पर क्लिक करके अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर लेने हैं। अगर आपके वॉलेट में पैसे ऐड नहीं रहेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर फंड ऐड कर लेना है। जैसे ही आपका फंड ऐड हो जाएगा, इसके बाद वापस से आपको माई लिस्ट वाले टैब पर आ जाना है। फिर आपको यहां पर यह डिसाइड करना है कि आप निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर करना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर करने वाले हैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बैंक निफ्टी पर क्लिक कर दूंगा। अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। इसके अलावा अगर आपको समरी देखना है बैंक निफ्टी का, तो आप यहां से समरी देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ऑप्शन चेन वाले टैब पर आ जाना है। अब ऑप्शन चेन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल पहले से सिलेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर जितने भी डेटा दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर, ये सारे के सारे कॉल साइड के डेटा आपको दिख रहे हैं। वहीं अगर आप पुट साइड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पुट का पूरा पूरा डाटा शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉल और पुट दोनों साइड में आपको क्या क्या दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है, यहाँ पर आपको LTP दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रीमियम प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रीमियम है। यानी कि अगर 40,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर अभी प्रीमियम कितना चल रहा है, 326 रुपये चल रहा है पुट साइड में। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। फिर इसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा को हम लोग कैसे रीड करेंगे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किस काम का होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग पहले से ही बात किए हुए हैं। इन सब का डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रम से मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सपायरी डेट का। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मनपसंद का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी करंट जो एक्सपायरी डेट है वो 2 मार्च का आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मार्च 2023 का एक्सपायरी डेट पहले से ही सिलेक्टेड है। इसके अलावा अगर आप 9 मार्च पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर सप्ताह का यहाँ पर एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगा। आप बहुत दूर का एक्सपायरी डेट मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब में आपको वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा, तो इधर में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर नियरेस्ट एक्सपायरी या उससे 1-2 एक्सपायरी आगे का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर नियरेस्ट एक्सपायरी को ही सिलेक्ट रहने देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए 2 मार्च का एक्सपायरी डेट है और आज कितना तारीख है, आज है 27 तारीख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 दिन बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट आने वाला है अगले महीने का। आज है फरवरी चल रहा है, तो 28 का महीना होता है। इसके बाद 1-2 तारीख को, यहाँ पर 2 तारीख को क्या होगा, एक्सपायरी डेट होगा। तो अभी हम लोग वापस से कॉल साइड में सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस खरीद करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, यानी कि एग्जिट किया जाता है। सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। GTT ऑर्डर के थ्रू मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा ऑर्डर को, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, पहले चार्ट पर आना होगा, फिर आपको यहाँ पर एनालाइज करना होगा कि चार्ट आपको क्या बोल रहा है। मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या फिर यहाँ से बेयरिश होगा, आपको ये पहले डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कई सारे मेथड्स बताए हैं कि कैसे आपको बुलिश या बेयरिश पकड़ना है। जैसे कि ट्रेंड अगर चल रहा है बुलिश तो आपको बुलिश साइड जाना चाहिए, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहिए, यानी कि बेयरिश जाना चाहिए। इसके अलावा आप पीसीआर रेशियो की मदद से भी जान सकते हैं कि मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बेयरिश होने वाला है, और मार्केट का सेंटीमेंट देख करके आप पता लगा सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके आप पता लगा सकते हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, बुलिश होगा। क्लियर, यहाँ पर देखिए हम लोग कोई खास एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन को अगर मैं एनालाइज करने जाऊँगा, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को एनालाइज करने जाऊँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। अगर मार्केट बुलिश होने वाला है तो हम लोग क्या ऑप्शंस को खरीदेंगे, कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। अगर हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, बेयरिश होने वाला है, तो हम लोग क्या करते, पुट ऑप्शंस को खरीदते, जिससे हम लोगों को प्रॉफिट होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट इतना तो पॉजिटिव हो गया है ना, ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव हो गया है 0.30%। ठीक है, निफ्टी बैंक यानी कि 113 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव दे चुका है आज के दिन में। ठीक है, यानी कि बुलिश हो चुका है, लेकिन अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से किधर जाएगा। ठीक है, बुलिश हो गया है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, आपको ये चीज़ पर फोकस करना है। अगर यहाँ से नीचे आएगा, यानी कि मान लो अगर ये जीरो पर आने वाला है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव दिखा रहा है अगर ये जीरो पर आने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप पुट साइड में जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वापस से ऑप्शन चैन के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ट्रेड लेने से पहले ही यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पज से एक प्रोसेस को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। क्लियर, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड में ही सेलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर लूंगा। स्ट्राइक प्राइस आपको कैसे चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सही है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डेमो पर्पज से किसी एक स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर, तो अभी हम लोग यहाँ पर नियरेस्ट एट द मनी का ये वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं, जिसका एलटीपी अभी कितना चल रहा है, 299 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 40,000 का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ऊपर में आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी 40,000 का सीई दिख रहा है। सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, यानी कि कॉल ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप पुट ऑप्शंस में जाकर के सेलेक्ट किए होते तो यहाँ पर पीई दिखाई देता, यानी कि पुट यूरोपियन। क्लियर, अब यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिखाई दे रहा है, 2 मार्च 2023 का आपका यहाँ पर एक्सपायरी डेट है। इसके अलावा आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं कि ओपन कितने में हुआ है, प्रीवियस डे क्लोज कितना हुआ है, वॉल्यूम कितना चल रहा है। तो ये सारे अभी फिलहाल काम के नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर ग्रिक्स भी देख सकते हैं, ऑप्शन ग्रिक्स कैसे देखते हैं, डेल्टा क्या काम करता है, गामा थीटा कैसे काम करता है, वेगा, ये सारी चीजें कैसे काम करती है, इन सब के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है। तो उन सब का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे थीटा काम करता है, कैसे डेल्टा काम करता है। मेनली ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थीटा और डेल्टा। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इनके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम लोग स्टेटस वाले टैब पर आ जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। आप अगर सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। एंड अभी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को बाइंग करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बाय करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे वाले। सिंपली अभी यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, रेगुलर, जीटीटी और स्ट्रेटजीज का। तो अभी हम लोग यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। रेगुलर ऑर्डर के अंदर तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, इसके ऊपर हमने क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है पहले से ही, तो आपको पता होगा। अभी हम लोग यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं एंड इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो जीटीटी ऑर्डर को आप सिलेक्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पर एलटीपी देख सकते हैं, 278 रुपये, 80 रुपये के आसपास चल रहा है मार्केट, यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देख सकते हैं फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, बट उन सबको आप फिक्स भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की मदद से। तो यहाँ पर आप अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऑर्डर्स आप एक साथ बाय करते समय ही लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको ऑर्डर्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पर देखिए जीटीटी का मतलब क्या होता है, जब तक आपका एक्सपायरी डेट रहेगा तब तक ये जीटीटी ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर एक्टिव टिल 2 मार्च 2023 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 मार्च तक ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शंस मिल रहा है। आपको पता होगा कि डिलीवरी में आपको कब खरीदना होता है, इंट्राडे में आपको कब खरीदना होता है। इंट्राडे में आप सेलेक्ट करके अगर खरीदते हैं तो आप सेम डे में ही एग्जिट करेंगे। ठीक है, यानी कि इंट्राडे आज के दिन में आप अपना पोजीशन बनाएंगे और आज ही के दिन अपने पोजीशन को काटेंगे। क्लियर। अगर आप डिलीवरी में सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप सेम डे भी अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही रहने दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्वांटिटी में डाल सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 25 क्वांटिटी खरीदना ही होगा। अगर आप 25 से कम डालेंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को बाय नहीं कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉट में खरीदना होता है और बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट का साइज होता है 25 क्वांटिटी। अगर इसी तरह से आप निफ्टी 50 के अंदर जाएंगे तो एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी होता है, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी खरीदना ही होगा। इसी तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हर एक स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग कर रहे हैं तो 25 क्वांटिटी होता है मिनिमम। आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके 25 के मल्टीपल में आप यहाँ पर अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं डेमो पर्पस से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लॉस भी हो सकता है, इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मिनिमम क्वांटिटी ही रखूँगा। तो यहाँ पर 25 क्वांटिटी ही मैं सेलेक्ट रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर साइड में आप वापस से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना सेल में पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर सेल पर करूँगा क्लिक तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट देख सकते हैं 1,28,707 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा अभी यहाँ पर। ठीक है, सेलिंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग में। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाले, मैं यहाँ पर बाइंग करके आपको दिखाऊंगा। बाय करने के बाद हम लोग एग्जिट करेंगे नॉर्मल। क्लियर, तो अभी यहाँ पर बाय पर ही रहने दूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है। इफ प्राइस इज बिलो, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो आप प्राइस डाल करके रखे रहेंगे, इससे अगर कम प्राइस डालता है इसका, ठीक है, यानी कि ये LTP अगर इस प्राइस से कम जाता है तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर एक तरह से अपना लिमिट लगा सकते हैं कि इस प्राइस से नीचे में ही मुझे चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 185 रुपये चल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि 180 से ऊपर में मुझे नहीं चाहिए, तो 180 में मैं सेट कर दूंगा। तो 180 से जब इसका प्राइस नीचे जाएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। जैसे अभी अगर हम लोग प्रेस कर दिए होते तो ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो गया होता अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, लिमिट डालना होता है। तो अभी यहाँ पर प्राइस और भी ज़्यादा कम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा कम डाल देता हूँ, 70 डाल देता हूँ, 270। क्लियर है। यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शंस खरीदा हुआ है, इसका मतलब मार्केट क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, तभी हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट गिरने लग जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर लॉस भी होने लग जाएगा। क्लियर, तो अभी यहाँ पर मैं 270 ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। इफ प्राइस इज बिलो तो आपको समझ में आ गया। अगर इफ प्राइस इज अबव को आप सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइस इज अबव द प्राइस यू स्पेसिफाई, यानी कि आप जितना प्राइस आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे इससे ऊपर अगर ये LTP रहेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आप सेकंड वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अगर बाय करेंगे तो इस प्राइस से क्या होगा, ये वाला प्राइस ऊपर रहेगा तभी आपका ऑर्डर बाय होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, इमीडिएटली का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इमीडिएटली पर सेलेक्ट करेंगे तो जो मार्केट का करंट प्राइस रहेगा उसी प्राइस पर आपका ये ऑर्डर इमीडिएटली बाय हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर इमीडिएटली को हटा देते हैं और वापस से हम लोग इफ प्राइस इज बिलो को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं प्राइस को कम कर लेता हूँ क्योंकि अभी प्राइस यह इसका गिर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 67-65 हो गया है, तो मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, 65 रुपये ही डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को आप एक साथ ऑप्शंस को बाय करते समय ही लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, सिंपली आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल देना है कि कितने रुपए का आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। जैसे अगर आपने खरीदा 265 में आपने खरीदा तो आप कितने रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 65, यहाँ पर 65 में आपने मान लो बाय किया तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, 45 डालोगे। अगर आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपका परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कि 7% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होने वाला है। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज डालेंगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक नंबर्स में काउंट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 5% का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर 5% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा इसके हिसाब से। इसके अलावा आप सेम इसी तरह से अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट का आपको टारगेट चाहिए। तो आप अगर 1:2 लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 10% का टारगेट ले सकते हैं। 1:1 का लेना चाहते हैं रिस्क रिवॉर्ड तो आप यहाँ पर 5% डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टारगेट आपका क्या होगा, 278 होगा। अगर आपका 265 में बाय हो जाएगा तो 278 तक जाने के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बुक होने से पहले अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका यहाँ पर लॉस बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लॉस को फिक्स और टारगेट को भी फिक्स करके इस तरह से जीटीटी ऑर्डर के अंदर चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर इस प्राइस को आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं प्राइस को डालता हूँ, यहाँ पर 270 चल रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इसके प्राइस को थोड़ा सा इसके आसपास में एडजस्ट कर लेता हूँ। तो 66 में एडजस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर ये प्राइस जैसे ही 66 आएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट भी देख सकते हैं कि कितने रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आप यहाँ पर डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी आप बाय करने वाले हैं, क्या प्राइस होने वाला है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, टारगेट क्या होने वाला है, एक्सपायरी डेट क्या होने वाला है और इसका चार्जेस कितना लगेगा, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कितना, टैक्सेस वगैरह लगेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी इसका प्राइस कितना आ गया है, 252.50 आ गया है। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब लाइव मार्केट के अंदर कुछ चीज़ समझाना होता है तो मार्केट में प्राइस बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है और समझाते तक आपका ट्रेड निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं प्राइस को फिर से सेट कर लेता हूँ। 256 चल रहा है ना, 255 के आसपास में सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करके और बाय कर लेता हूँ। बाय पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो ऑर्डर है वो बाइंग यहाँ पर लग जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर टैब के अंदर आएंगे। ऑर्डर टैब के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट होने के बाद ये दोनों ऑर्डर्स शेड्यूल में आ चुके हैं और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप करंटली अभी देख सकते हैं 111 रुपये, 113 रुपये के आसपास यहाँ पर लॉस अभी हमारा चल रहा है। अभी इसका LTP कितना है, 248.46 रुपये है। अभी यहाँ पर देखिए हमको मैक्सिमम कितने तक लॉस हो सकता है, 242 तक। अगर ये प्राइस 242 तक अगर गिर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये प्राइस बढ़ करके 267 तक चला जाता है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर करेंटली देख सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ चुके हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट इन दोनों को एक साथ प्लेस करके ही ऑप्शंस के ऊपर काम करना चाहिए। तो अगर आप इसका ऑप्शंस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट तो हो गया है। ठीक है, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को टारगेट थोड़ा सा कम करना है या फिर थोड़ा और बढ़ाना है तो आप यहाँ से टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर करेंटली देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस 4.6% का यहाँ पर लगा हुआ है और टारगेट हमारा 5.37% का यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप अपने टारगेट को भी कम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 4% का मैं टारगेट लेना चाहता हूँ, 4% का मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं चेंज करके और यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करूँगा। इसके बाद सबमिट कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा जो ऑर्डर है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो भी हो गया है। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं 243.95 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया है और 264 रुपये का हमारा टारगेट हो गया है। तो अभी हम लोगों को वेट करना है, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट होता है या फिर टारगेट पहले हिट होता है। एंड ऑर्डर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो कितना स्टॉप लॉस, 243 रुपये तक इसका प्राइस जो है वो गिर गया था, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और यहाँ पर टारगेट अभी हमारा अचीव नहीं हो पाया। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं 253 रुपये का लॉस हो चुका है। अगर पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लॉस है वो फिक्स हो चुका है 253 रुपये। क्लियर। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर के चलना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते और इसका प्राइस अगर मान लो और भी ज़्यादा गिर जाता तो हम लोगों को कहीं ना कहीं और बड़ा नुकसान हो सकता था। इस वजह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा लगा करके चलना होगा। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे जीटीटी ऑर्डर के थ्रू आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे ऑप्शंस को बाय किया जाता है, कैसे एग्जिट हो जाता है, कैसे टारगेट अचीव होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।